कैसे हो दोस्तों। लंबा टाइम हो चुका है वीडियो बनाते हुए। लॉकडाउन के बाद ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ Redmi Smart Band। जी हाँ, इस Redmi Smart Band को मैं अनबॉक्स करूँगा और आपको बताऊँगा इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फीचर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड बटन दिया होगा वहां से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आइए इसे अनबॉक्स करते हैं। ये है Redmi Smart Band का बॉक्स और इसके ऊपर कुछ आपको फीचर्स लिखे हुए मिल जाते हैं। USB डायरेक्ट चार्ज दिया है, हार्ट रेट मॉनिटर है इसके अंदर, वाटरप्रूफ भी है ये 50 meters तक। आपको बाकी डिटेल्स बॉक्स के पीछे भी मिल जाएगी। तो चलिए बॉक्स को अब हम ओपन कर लेते हैं। है ये जो बेल्ट है यहाँ पर वो रिमूवेबल है और इसको आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं जैसा कि यहाँ बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था। तो USB केबल की झंझट नहीं, आपको आप डायरेक्टली इसको PC में या कोई भी USB पोर्ट में लगा के इसको चार्ज कर पाएंगे। पीछे कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और फ्रंट में जो डिस्प्ले है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो डिस्प्ले है वो है 1.08 इंच का। इसमें आपको कलर LCD डिस्प्ले मिलता है। कोई भी बटन दिया नहीं गया है यहाँ पर सिर्फ एक टच सेंसर बटन है जिससे आप इस Redmi Smart Band को आप कंट्रोल कर पाएंगे। मैं फ़िलहाल इसे लगा देता हूँ जैसा था ये, तो इसे मैंने लगा दिया है। अब इसको पहन के देख लेता हूँ ये किस तरह से इसका जो फिटिंग है वो कैसा है और कैसा फील देता है। तो ये फिट हो चुका है, पहनने में आसानी है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन आप अगर डिज़ाइन देखें तो ये जो इसका स्क्रीन है वो काफ़ी फ्लैट है। जो मी बैंड था वो आपको एक कर्व डिस्प्ले देता था, कर्व डिज़ाइन देता था, लेकिन यहाँ पर फ्लैट है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको मैं अगर ऐसे टेबल पर रख दूँ तो ये आराम से इस तरह से रह पाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम इसके बाकी फीचर्स के बारे में बात करें तो ये आपको 14 दिन की बैटरी लाइफ देता है। इसकी जो प्राइस है वो है 1599 रुपये, यानी कि ये काफ़ी अफोर्डेबल है अगर आप बात करें इसके प्राइसिंग की। फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको हार्ट रेट सेंसर मिलता है जो 24 आवर्स मॉनिटर करता है। उसके अलावा आपको इसमें मिल जाता है स्लीप एक्टिविटी है, कुछ फिटनेस जैसे कि आप रनिंग साइकिलिंग करते हैं वो सारे फीचर्स आपको इस बैंड के अंदर मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको इसके अंदर मिलता है वाटरप्रूफ डिज़ाइन, यानी कि इसको आप स्विमिंग पूल में या आप इसको पानी में भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इस Redmi Smart Band को अब पैर कर लेते हैं स्मार्टफोन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ से ऐड डिवाइस कर रहा हूँ, Redmi Smart Band सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको पैर कैसे करते हैं। तो ये पैर हो रहा है। मैं आपको बता दूं ये जो Redmi Smart Band है इसको पैर करने के लिए आपको अलग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जो जो कि है ये Xiaomi Wear।
तो ये शाओमी वेयर जो है ये अलग ऐप है, ये रेडमी स्मार्ट बैंड के साथ चलती है। जो मी फिट ऐप है उसके साथ आप रेडमी स्मार्ट बैंड को पैर नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये शाओमी वेयर की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी अगर आपको इसे स्मार्टफोन के साथ पैर करना।